आज हम बना रहे पके हुए केले के गुलगुले। झटपट बनने वाला मजेदार सा नाश्ता है। रेसिपी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हम एक बाउल में इन अंडे तोड़ेंगे, उसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे और हैंड बीटर की मदद से चीनी और अंडे को फेंट लेंगे। चीनी और अंडे फेंटे हुए साइड में रखेंगे। ये हमने छिलके काले हुए है ऐसे बनाना लिया है। ये बनाना अगर छिलके काले हुए तो खाने में इतराज करते हैं, इसलिए अच्छी तरह से इसका सही यूज करेंगे। भले छिलके काले हुए लेकिन अंदर से केले व्हाइट है। पके हुए केले के हमने छिलके उतार कर फोर्क की मदद से मैश करके लिए है। मैश किए हुए केले डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 100 ग्राम मैदा डालेंगे। मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदे में जरा भी लंप नहीं रहना चाहिए, इसके लिए अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अब हम आधे टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे, 350 ग्राम सूजी डालेंगे, आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें मिक्स करके हो गई, हमारा सूखा सूखा बैटर बन गया है। इसे हम आधे घंटे के लिए साइड में ढककर रखेंगे। ये रेसिपी आप बच्चों के टिफिन के लिए, शाम के नाश्ते के लिए आसानी के साथ बना सकते हैं। आधा घंटा हो गया, तो हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया, गैस की आंच धीमी करेंगे और धीमी आंच पे गुलगुले बनाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा हम उंगलियों की मदद से पोर्शन गुलगुले के लिए कढ़ाई में डालेंगे। हमें धीमी आंच पे गुलगुले फ्राई करना है, नहीं तो गुलगुले बाहर से पकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ गया है, हम दूसरी तरफ से पलटी करके फ्राई करेंगे। मजेदार से गुलगुले फ्राई हो गए, बहुत बहुत सॉफ्ट और स्पंजी है। ये मजेदार सा नाश्ता है। सरे हुए केले फेंकने में भी नहीं जाएंगे, आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। आज की गुलगुले की रेसिपी जरूर देखिए और जरूर ट्राई कीजिए।